हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू सो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आया हूँ सीट मैट्रिक्स uh, सीट मैट्रिक्स है ये uh, जो इस टाइम बोपी की काउंसल बोपी में काउंसलिंग चल रही है ऑफ इंजीनियरिंग कोर्सेज फॉर द एडमिशन ऑफ इन वेरियस गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ तो एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गया उस वीडियो को लेकर बिकॉज ऑफ सब नेटवर्क इशूज़ मैं टाइमली अपलोड नहीं कर पाया शाम को <coughs> तो मैंने सोचा आपको बता दूँ क्योंकि आज और कल खाली कैटेगरी वालों कैटेगरी कैंडिडेट्स को बुलाया गया था तो ओपन मेरिट की जो है सीट्स वो तो सेम रहेंगी जो पहले बताया था तो ओपन मेरिट की सेम रहेंगी सो कल तो कैटेगरी के लिए कल भी कैटेगरी के लिए ही उन्होंने स्टूडेंट्स को कॉल किया है और जो कैटेगरी जिनकी कैटेगरीज हैं और उसके बाद परसों से सेवनटीन से ओपन मेरिट वालों को वो बुलाएंगे और जो भी कैटेगरी की सीट्स कल शाम तक बच जाएंगी वो ओपन मेरिट में एडअप हो जाएंगी और कल जो शाम का जो सीट मैट्रिक्स होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि कितनी गवर्नमेंट की सीट्स बच गई हैं और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि डिप्लोमा की जो अभी काउंसलिंग चल रही थी बोपी के थ्रू जो मैंने कवर अप की थी अब उन्होंने शायद आई थिंक उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला कि जिसमें उन्होंने बोला कि आप जितने भी कॉलेज हैं वो डायरेक्ट एडमिशन भी कर सकते हैं सो हो सकता है कि इंजीनियरिंग की भी आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग अगर सीट्स बच जाए तो हो सकता है सिमिलरली डिप्लोमा की तरह भी इंजीनियरिंग में भी शायद ओपन हो सकता है लेकिन उसके लिए कोई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करेगा वो वॉपी तब भी हो सकता है तो अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लूँ तो यहाँ पर ओपन में तो एट्टी सीट्स अभी भी अवेलेबल हैं और कैटेगरी में एस में तो ऑलमोस्ट फिलअप हो चुका है जी सी टी की अगर मैं बात कर लूँ ये देखिए ये एस के लिए था और आई थिंक हाँ सॉरी एस के लिए था और एस में पांच सीटें अभी भी रहती हैं ठीक है ओ एस सी में फिलअप हो चुका है ए एल सी फिलअप हो चुका है आर बी ए में भी फ़िलअप हो चुका है सो so, अगर मैं गांधरबल की बात कर करूँ तो गांधरबल में अभी भी सीट की अवेलेबलिटी है इसमें एस सी में भी अभी भी सिविल uh, कंप्यूटर में चार चार सीट्स हैं मैकेनिकल में एक सीट रहती है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में तीन सीटें रहती हैं एस टी में भी एक दो एक सिविल में दो कंप्यूटर में मैकेनिकल में ज़ीरो और इलेक्ट्रिकल में दो सीट्स रहती हैं तो ये देख लीजिए यहाँ पे इसकी मैं बात कर रहा ये मैं बता रहा था आपको तो ओपन मैरिट में अगर देख लूँ तो फोर्टी सिक्स भी सीट्स यहाँ पे भी अवेलेबल हैं ठीक है और यू आर टी कठुआ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी एस और एस में सीट्स की अवेलेबलिटी है ये आप देख सकते हो ओपन में ट्वेंटी सीट्स अवेलेबल है अब इसमें फ्रेंड्स एक टेक्निकल चीज़ देखने के लिए ज़रूरी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फर्स्ट डे जो सीट मैट्रिक्स आया था उसमें माइट में आई थिंक 241 फोर्टी वन की सीट्स हो सकता है मैं गलत हूँ मेरे को मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ आप चेक कर लीजिएगा प्रीवियस वीडियो चेक करके वीडियो देख के कि उसमें 241 फोर्टी वन सीट्स इनकी अवेलेबल थी ओपन में और आज दिखा रहा है 245 फोर्टी फाइव इसका मतलब इनकी चार सीट्स जो है वो किसी भी आई थिंक किसी कॉलेज में गई हैं या तो गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट कॉलेज में गई हैं और वो कैटेगरी में गई हैं ये देखिए तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है सीट्स का इनकी सीट्स चार ज़्यादा वेकेंट है अभी दिखा रहा है 245 लेकिन हो सकता है मैं गलत भी हूँ लेकिन मैं एक चीज़ आपको ये टेक्निकल पॉइंट ये बता रहा हूँ मंत ब्रजिता सिंह में भी आई थिंक फर्स्ट डे सेवेंटी सिक्स सीट्स थी और सेवनटी इनकी भी शायद एक सीट किसी गवर्नमेंट कॉलेज में गई है कैटेगरी में और अब आप देखिएगा कि जब ओपन मेरिट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आई थिंक ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है यहाँ से ही जो बच्चा है वो ट्रांसफ़र होगा गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो भी सीट्स ओपन कैटेगरी जैसे अगर मैं एटी की बात कर लूँ सपोज कल जी सी टी फुल रहता है तो एट्टी की एट्टी की एट्टी वेकेंट रह जाएंगी गांधरबल में फोर्टी सिक्स वेकेंट रह जाएंगी यू आई टी कठुआ में ट्वेंटी एट रह जाएंगी तो अब ये देखिए ये भी सीट्स फिलअप होनी है गवर्नमेंट कॉलेज़ हैं तो फिर ये लोग तो प्राइवेट से ही जाएंगे आई थिंक आई होप सो Uh, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि कई मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो बोलते हैं कि हमारी फर्स्ट काउंसलिंग मिस हो गई तो हम सेकंड काउंसलिंग में भी जाएंगे लेकिन बहुत कम होते हैं वो आई थिंक uh, हो सकता है हंड्रेड स्टूडेंट्स ऐसे हों या फिफ्टी स्टूडेंट्स ऐसे हों जो फर्स्ट टाइम जाएंगे सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में uh, मंथ बवीता सिंह में अभी सेवेंटी सेवन सीट्स वैकेंट हैं एस में टू ट्वेंटी नाइन सीट्स वैकेंट है योगानंद में टू नाइन्टी टू सीट्स वैकेंट है और भारवा कॉलेज में फोर फिफ्टी फोर फोटी टू सीट्स अभी भी वेकेंट है इनकी तो फ्रेंड्स ये रहा आज का सीट मैट्रिक्स कल आ, कैटेगरी वालों के लिए ही आ, कैटेगरी वालों को ही कॉल किया है जेके बोपी ने कल का वेट कर लीजिए कल शाम को सीट मैट्रिक्स आएगा आई होप मैं टाइमली अपलोड कर लूँगा शाम को पाँच छः बजे के अराउंड और आप उसको देखिए और फिर आप जो मैट के जितने स्टूडेंट्स हैं क्योंकि तो ये सीट्स भी जो भी रिमेनिंग सीट्स होंगी कैटेगरी की वो भी एडअप हो जाएंगी और एक चीज़ और है मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जम्मू जे एंड के बैंक का जिन्होंने भी फॉर्म भरा था उसका भी इन्होंने एक टेंटिव डेट आ चुकी है पेपर एग्ज़ाम्स की उसकी वीडियो भी मैं कल मॉर्निंग में एक अपलोड बना के अपलोड कर दूँगा ठीक है तो ये रहा सीट मैट्रिक्स आज का सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या सीट्स अवेलेबल हैं कल के लिए सो so, अगर आपको वीडियो पसंद आया और फर्स्ट टाइम जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब दि चैनल डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और स्पेशली फॉर जीन के स्टूडेंट्स जॉब रिलेटेड एजुकेशन रिलेटेड एंड आपका एडमिशन रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ कई सबसे मेरे को बोल रहे थे कि सर आप हमारे बी एस सी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स आने वाले तो कोई कोचिंग का बताइए तो उसके बारे में भी मैं उसको अपडेट करूंगा इस ईयर तो नहीं हो सकता मे बी नेक्स्ट ईयर बिकॉज मेरी स्पेशलाइजेशन फिजिक्स में है सो so फ्रेंड्स uh, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ थैंक यू